ओके दोस्तों, कैसे हो और एक नया वीडियो पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों क्या है, और फिर से हमारे इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, सब भी में हराया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जीत है। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट में, जो वर्ल्ड कप में 8वीं बार, मतलब 8 टाइम्स हमारी इंडिया वर्ल्ड कप में जीत चुका है और एक बार भी नहीं जीता है पाकिस्तान। और उसके साथ साथ गाइस, इस बार इसी सीजन में, मतलब इसी साल में, पाकिस्तान को हमारे इंडिया ने फुटबॉल में हराया था 4 गोल से। यस गाइस, और उस मैच पर हमारी इंडिया का कैप्टन लीजेंड जो हमारे सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल डाला था 21 जून पे, जो हुआ था साफ चैंपियनशिप पर। तो गाइस, क्या ही बेहतरीन हमारे इंडिया परफॉर्म कर रहा है स्पोर्ट्स पर। और गाइस, क्या है कि अभी है जो हमारे इंडिया ने जो मर्देका कप पर, हमारे फुटबॉल में जो मलेशिया पर जो हुआ था, उधर पे मलेशिया के साथ मैच था और हमारे इंडिया हार गया है 4-2 के स्कोर में, जो हमारे इंडिया का स्कोर था 2 और मलेशिया का 4 गोल था। और उधर पे हमारे इंडिया का कुछ, मतलब रेफरीज का गलत डिसीजन के कारण हमारे इंडिया को हारना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। हमें ये सीख मिला है कि हमें और भी गेम टाइम चाहिए, मतलब हमारे जो, जैसे कि ISL में बहुत सारे खिलाड़ी बहुत सारे टीम्स पर खेलते हुए, लेकिन हमारे इंडिया में जो गेम टाइम चाहिए, जैसे कि अभी सामने है FC जो नवंबर से स्टार्ट होगा, जो 16 नवंबर को है मैच, जो और हमारे जो ISL का मैच होगा लास्ट 7 नवंबर तक, मतलब गैप है सिर्फ 8, मतलब 8 दिन। यस गाइस, मतलब 1 वीक, ठीक है, एक दिन छोड़ दो, अभी सिर्फ 1 वीक, 1 वीक समय देगा टीम इंडिया को कि टीम इंडिया जाओ अभी पूरे एक बुट हो जाओ और फिर खेलो AFC कप। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे टीम्स को, हमारे इंडिया को जो सारे खिलाड़ी जो है, सुनील छेत्री है, उदानता है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है, सभी को कम से कम आप लोग या 20 दिन 15 दिन दो, क्योंकि इतने कम समय पे हमारी टीम इंडिया जो ईगल स्टीमक क्या करेगा। लेकिन बहुत कुछ किया अभी तक हमारी इंडियन फुटबॉल ने, क्योंकि अभी इस सीज़न में, मतलब इसी साल पर हमारी इंडिया बहुत कुछ टाइटल्स जीता है। और आई होप कि हमारे इंडिया और भी ज़्यादा आगे बढ़े फुटबॉल में, जैसे कि क्रिकेट में तो पता ही है, आज देख ही लिया क्या हो गया है, और फुटबॉल में और भी ज़्यादा आगे बढ़े, यही हम लोग दुआ करते हैं। एंड प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो इंडियन फुटबॉल को। एंड बहुत जल्दी हमारे नॉर्थ ईस्ट का मैच भी आ रहा है, 21 तारीख को है मैच नॉर्थ ईस्ट वर्सेज केरला ब्लास्टर्स का। अगर नॉर्थ ईस्ट का फैन हो तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके बताओ, एंड मैं तो फैन हूँ ही नॉर्थ ईस्ट का। एंड आप लोग बताओ, आप लोग किसको सपोर्ट करोगे, नॉर्थ ईस्ट वर्सेज केरला ब्लास्टर्स? देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा गाइस, जॉय आवर होम गाइस।